हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बता रहे हैं आपको ये बड़ी खबर। घर के बाहर बदमाशों ने गोली मारी, मौलाना अकरम को बदमाशों ने सीने में गोली मारी। सुबह 4 बजे हमलावरों ने कॉल करके बुलाया, पुलिस को शव के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। यूपी के मुरादाबाद का ये मामला, यूपी के मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मंगलवार सुबह 4 बजे इमाम को कॉल करके बुलाया, घर से बाहर सीने में गोली मार दी। इमाम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। शव से थोड़ी दूरी पर 12 बोर का तमंचा पड़ा मिला। पुलिस मौलाना की पत्नी से पूछताछ कर रही है। घटना शहर से सटे हुए भैसिया गांव की है। गांव के बीच में एक बड़ी मस्जिद है, इसमें रामपुर के चाऊपुरा मसवासी गांव के रहने वाले अकरम 15 साल से इमामत करते थे। गांव में ही उन्होंने घर बना लिया था, पत्नी और 6 बच्चों के साथ यहां पर रह रहे थे। इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है। शहनवाज इलियास इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शहनवाज, इमाम की हत्या के पीछे आखिर कौन, क्या पता चला है इस बारे में? और देखिए आप, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है कटघर थाना इलाके के भैंसिया गांव का है, जहां पर मस्जिद से कुछ ही दूरी पर एक खंडहर में जो कि उनका मकान था इमाम का, उसके पास उनका शव मिला है और वहां से एक 12 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। सीने से सटाकर गोली मारी गई है। कहा जा रहा है कि फोन कॉल किससे उनको बुलाया गया था और ये रामपुर के रहने वाले हैं और भैंसिया गांव में जो बड़ी मस्जिद है वहां पर इमाम थे, वहां नमाज पढ़ाते थे और फजर की नमाज आज क्योंकि सुबह में नमाज होती है, वो नमाज पढ़ाने के लिए वहां नहीं पहुंचे तो लोगों ने उनकी तलाश की तो घर के कुछ ही दूरी पर एक खंडर मकान में ये शव मिला है। फिलहाल जैसे ही शव मिला था पुलिस को लोगों ने सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे, घटना का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने सीने से सटाकर ये गोली मारी है। पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। एसपी सिटी खुद अखिलेश भदौरिया मौके पर पहुंचे थे, उनका कहना है सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें पूरे मामले में उनकी पत्नी से भी बात की गई है और लोगों से भी बात की जा रही है और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा सभी पहलुओं पर जांच करके। जी बिल्कुल, क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, क्या कोई आपसी रंजिश से जुड़ा यह पूरा मामला और किन किन एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है? हमलावरों की संख्या के बारे में क्या पता चल पाया? देखिए आप, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि लंबे समय से वो वहां इमामत कर रहे थे, नमाज पढ़ाते थे, लोगों से उनका अच्छा संबंध था और कहीं ना कहीं आज इस तरीके से उनकी बॉडी जो है वो घर के पास ही एक खंडहर में मिली है तो निश्चित तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कैसे वहां पहुंचे और सुबह सवेरा क्योंकि 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है, सीने से सटाकर गोली मारी जा रही है गई है और निश्चित तौर पर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि कई सारी चीजें हैं जो संदेह के घेरे में हैं तो अभी पुलिस का कहना है सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर जो है वो जल्द ही खुलासा हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।